नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे व्यू टैब के मैक्रोज ऑप्शन के बारे में। आप देखेंगे हमारे पास जो मैक्रो ऑप्शन है इसके अंदर तीन ऑप्शंस हैं। सबसे पहला है व्यू मैक्रो और दूसरा है रिकॉर्ड मैक्रो और तीसरा है रिलेटिव रेफरेंस। अब हम बात करते हैं सबसे पहले रिकॉर्ड मैक्रो की। मैक्रो फंक्शन का जो बेसिकली यूज़ होता है बहुत ही मैजिकल यूज़ होता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर शीट ली हुई है, यहाँ पर हमने कुछ डेटा लिया हुआ है और सेम एज इट इज़ डेटा हमने शीट वन पर भी यहाँ पर लिया हुआ है। अब इन दोनों शीट में से किसी एक शीट को हम मॉडिफाई करेंगे और उसको रिकॉर्ड करेंगे। यानी बेसिकली मैक्रो क्या काम करता है, आपके हर एक वर्क को रिकॉर्ड करता है, चाहे आप बोल्ड करें, इटैलिक करें, अंडरलाइन करें, आप कोई सेल इंसर्ट करें, मर्ज करें, कुछ भी, कोई भी एनीथिंग आप एक्सेल में कोई भी वर्क करते हैं तो आपके उस वर्क को वो रिकॉर्ड कर लेता है। और सेम रिकॉर्ड को आपको किसी अनदर प्लेस पर अगर पेस्ट करना होता है तो आपको वो एक बार में ही ऑप्शन देता है उसको पेस्ट करने का। तो जैसे मैं आपको प्रैक्टिकली इसको करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एक शीट यहाँ पर ली हुई है, सेम एज इट इज शीट मैंने शीट टू पर भी ली हुई है। तो शीट वन पर जाने के बाद मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैक्रो को स्टार्ट करूँगा यानी कि उसे अनेबल करूँगा। मैक्रो को सिलेक्ट करके यहाँ पर ऑप्शन है रिकॉर्ड मैक्रो, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप मैक्रो का कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने दे दिया यहाँ पर फॉर्मेटिंग नाम देने के बाद आप इसकी कोई शॉर्टकट की भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसकी शॉर्टकट की बना लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और क्यू। अपने कीबोर्ड से शिफ्ट क्यू दबा दीजिए, ये शॉर्टकट की अपने आप क्रिएट हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है आपको वो शॉर्टकट की बनानी है जो कि एमएस एक्सेल में यूज़ ना होती हो। यानी जैसे कंट्रोल सी की आप नहीं बना सकते, कंट्रोल वी की नहीं बना सकते, कंट्रोल सी कॉपी की होती है, कंट्रोल वी पेस्ट की होती है। तो यानी आपको वो शॉर्टकट की यूज़ करनी है जो एमएस एक्सेल में यूज़ ना होती हो, थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की शॉर्टकट की आपको यूज़ करनी है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने तीन ऑप्शंस हैं। क्या आप इसे पर्सनल माइक्रो वर्कबुक में काम करना चाहते हैं, या फिर कोई एक नई वर्कबुक पे काम करना चाहते हैं, या दिस वर्कबुक यानी जो हमने वर्कबुक ओपन कर रखी है आप इसी के ऊपर माइक्रो का यूज़ करना चाहते हैं। तो हम सिंपली यहाँ पर यूज़ करेंगे दिस वर्कबुक। और उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन में कुछ भी टाइप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन का मतलब आप बता सकते हैं कि भाई इसके अंदर आपने क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं, इस रिकॉर्डिंग के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं। तो इसके अंदर जैसे मैं बता सकता हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने फॉर्मेटिंग किया है, इसके अलावा मैं यहाँ पे बोल्ड करूँगा, इटैलिक करूँगा, अंडरलाइन करूँगा, कलर करूँगा, एक्सेट्रा। आप जो भी इसमें यूज़ करना चाहें वो सारी की सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर सिंपली आपको यहाँ पर ओके प्रेस कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे आपकी रिकॉर्डिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। यानी अब एमएस एक्सेल में आप इस वर्कबुक पे जो भी वर्क करेंगे वो टोटली आपका रिकॉर्ड होगा। जैसे मान लीजिए हम सबसे पहले इस सेल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर होम टैब में जाकर के इसको मर्ज एंड सेंटर यूज़ कर लेते हैं। तो ये हमारा सेल मर्ज हो गया, ये भी हमारा रिकॉर्ड में आ चुका है। यानी ये क्या कर रहा है, हमारे हर एक स्टेप को रिकॉर्ड कर रहा है। अब इसके बाद हम इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं और उसके बाद इसके अंदर कोई कलर फिल कर लेते हैं इसके बैकग्राउंड में। इसके बाद हम मंथली अर्निंग को सिलेक्ट करते हैं, इसको भी हम मर्ज एंड सेंटर यूज़ करते हैं और इसका कलर हम रेड कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर स्लैब्स को सिलेक्ट करते हैं, इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। बोल्ड करने के बाद हम बाकी के ऑप्शंस को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखिए हमारा जो डेटा है वो थोड़ा सा दबा हुआ है, तो उसको हम डबल क्लिक करते हैं, ये ऑटोमेटिक सेल एडजस्ट हो जाएगा। और पूरे के पूरे डेटा को एक साथ सिलेक्ट करके हम इसे बॉर्डर में बंद कर देते हैं। इस तरीके से हमने बॉर्डर में बंद कर दिया। इसके अलावा और भी आपको जो भी एडिटिंग करनी है आप एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे इन वैल्यूज़ को सिलेक्ट करके मैंने इसके अंदर कोई कलर फिल कर दिया, इस तरीके से आप कलर्स फिल करके हाईलाइट कर सकते हैं। यानी आपको जो भी इसमें चेंजेस करनी है, जो भी करना है आप इसके अंदर कर सकते हैं, वो सारे के सारे वर्क आपके क्या करेगा, रिकॉर्ड्स करेगा। तो हमने इस तरीके से फॉर्मेटिंग कर ली है। अब आप देखेंगे दूसरा जो हमारा डेटा है वो सिंपल डेटा है, इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इसके माइक्रो को, जो भी हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है, इसको स्टॉप कर देंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे व्यू टैब के ऊपर, माइक्रो में जाएंगे और यहाँ से कर देंगे इसको स्टॉप। स्टॉप करने के बाद आपको जाना है शीट नंबर टू पे, जहाँ पर हमने ये डेटा लिया हुआ है सेम एज इट इज़, उसी टाइप का। अब इस डेटा पे आपको जितने भी फॉर्मेटिंग्स हमने यहाँ पर यूज़ की हैं वो सारी की सारी फॉर्मेटिंग्स हमें इसमें चाहिए। तो अब हमने जो बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, सेल मर्ज किया, ये सारी की सारी चीज़ें की हैं, वो सारी चीज़ें एक बार में मैं चाहता हूँ यहाँ पर वो अप्लाई हो जाए। तो उसके लिए जो हमने शॉर्टकट की बनाई थी हम उसका भी यूज़ कर सकते हैं। डेटा को सिलेक्ट करके आप यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट क्यू अपने कीबोर्ड से दबाइए, जो कि हमने इसकी शॉर्टकट की बनाई थी। आप देखेंगे शीट टू के ऊपर भी हमारा सेम एज इट इज़ डेटा अप्लाई हो चुका है। यानी कि शीट वन पर भी हमारा सेम एज इट इज़ ऐसा ही डेटा है जो भी फॉर्मेटिंग हमने की थी, और शीट टू पर भी हमारा सेम एज इट इज़ यही डेटा है।
तो ये है मैजिकल फीचर मैक्रोस का। इसके अलावा व्यू टैब में जाकर के आप चाहें तो यहाँ पर बहुत सारी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा आपने जो भी मैक्रोस की रिकॉर्डिंग की होगी, जितनी भी रिकॉर्डिंग की होगी वो सारी यहाँ पर आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर रन का यूज़ करेंगे तो फॉर्मेटिंग में, यानी कि आप वहाँ से जो हमने शॉर्टकट की यूज़ की थी कंट्रोल शिफ्ट क्यू, वहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से आप चाहें तो रन करके भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यूज़ कर पाएंगे मैक्रो का। तो दोस्तों ये था मैजिकल फीचर मैक्रो का। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।